1,000 की एक मिर्च तो 5,000 का एक पपीता। आम जिंदगी में सभी लोग सब्जियां तो खरीदते होंगे, लेकिन आज आपको सब्जियों के जो दाम बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने कभी एक मिर्च के लिए 1,000 और एक पपीते के लिए 5,000 रुपए दिए हैं? आम तौर पर लोगों को इन दामों को सुनकर हैरानी हो रही होगी। सब्जियों व फलों के ये दाम फेक नहीं है। हमारे देश के हरियाणा में एक जगह ऐसी है जहां सब्जियों और फलों के दाम सारी दुनिया से जुदा होते हैं। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सचा सौदा में कई एकड़ जमीन पर सब्जी व फलों की खेती की जाती है। इन सब्जियों के दाम डेरा प्रमुख तय करते हैं। संपन्न और अंधभक्त लोग डेरे में उगाई गई सब्जी व फल किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपने भक्तों को भगवान के रूप में स्थापित कर रखा है। राम रहीम अपने भक्तों को डेरे में उगाए जा रहे फल व सब्जी को प्रसाद के रूप में बेचता था। धर्म की आड़ में वो अपने समर्थक भक्तों को ब्लैकमेल किया जाता है। डेरा प्रमुख अपने भक्तों फल व सब्जी को सोने के जेवरों से भी अधिक कीमत पर बेचता था। आधा किलो मटर की कीमत लाखों में होता है। अगर किसी भक्त को बाबा से टमाटर खरीदने हों तो उसकी कीमत बाबा हजारों में वसूलता था। इन सब्जियों को डेरे की एक संस्था भंगीदास भक्तों के घरों तक पहुंचाने का काम करती है। अंध भक्ति के कारण लोग इतनी महंगी सब्जी व फल खरीदने को मजबूर होते हैं।